और खबर गाजियाबाद से। इस बीच आपको बता दें कि रन फॉर ग्रीन गाजियाबाद मैराथन 2 का आयोजन हुआ है राजनगर एक्सटेंशन में केडीपी चौराहे में। ये दौड़ शुरू हुई और आपको एक वादा, अगले गांधी जयंती पर जब शहर साफ हुआ मैं आपके साथ आऊंगा। अब आपने यकीन करना है कि एक साल के अंदर शहर साफ हो जाए, ठीक है, मंजूर है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। आपकी मुहिम कामयाब हो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, इसके बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपके इस मौजूदगी में ही हम उस शख्स का भी सम्मान करना चाहते हैं जो आपको यहाँ तक लिया है, और वो कोई और नहीं बल्कि सांसद प्रतिनिधि संजीव शर्मा जी है, जो कि समाधान शक्ति संस्था के माध्यम से समाज की सेवा कर रहे हैं। आशीष चित्रांत जी से मेरा निवेदन है कि वो आए और उनको मोमेंटो देकर के उनका स्वागत और सम्मान करें। राम बिना हनुमान के उनकी कल्पना नहीं की जा सकती। यहाँ संजीव शर्मा जी के भी एक हनुमान है, उनका नाम है पप्पू पहलवान। पप्पू भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आशीष सर से कहूंगा कि वो पप्पू भाई हनुमान करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल साहब को एक और प्रोग्राम में जाना है, उन्होंने अपने बहुत ही कीमती वक्त से बहुत ही ज्यादा कीमती वक्त हमें दिया है, उसके लिए हम सभी जो यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं उन सब की तरफ से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ इस मुहिम की शुरुआत हम आपसे वृक्षारोपण करा के करना चाहते हैं। प्लीज आप आए और रन फॉर ग्रीन के लिए वृक्ष लगाए आपके नक्शे कदम पर बाकी लोग चलते हुए इस राजनगर एक्सटेंशन को और फिर उसके बाद इस गाजियाबाद को हरा भरा करने की कोशिश हमारी रहेगी। बिल्कुल, तो आज सिर्फ एक पेड़ हम नहीं लगा रहे, हम एक शपथ दे रहे हैं कि हर पेड़ हर एक इंसान का ये कर्तव्य है, फर्ज है कि वो एक पेड़ लगाए कम से कम इस धरती को बचाने के लिए, इस गाजियाबाद को बचाने के लिए और इस देश को बचाने के लिए। हमारे चीफ गेस्ट आज वृक्षारोपण के जरिए आपको संदेश दे रहे हैं, लेकिन आप सब एक संकल्प लेकर यहाँ से जाएंगे कि आप ही एक पेड़ लगाएंगे और आज के दिन, क्योंकि आज का दिन बेहद यादगार है, बेहद खास है और इस खास दिन को, इस खास दिन के यहाँ हम ये पेड़ लगाएंगे। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि संकल्प के साथ आप यहाँ से जाए और ये पेड़ जरूर लगाए। अपने बच्चों को भी ये बताए, अपने घर के हर एक सदस्य को ये बताए कि पेड़ लगाना जरूरी है, क्योंकि जब तक ये पेड़ बचे हैं तभी तक हमारा वजूद बचा है। हम इन पेड़ों पर आश्रित हैं, ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। तो गाजियाबाद से लाइव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। आपको बता दें कि रन फॉर ग्रीन गाजियाबाद मैराथन 2 का आयोजन किया जा रहा है और इस बीच पेड़ लगाकर संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि प्रकृति को साफ स्वच्छ बनाए रखें ताकि प्रकृति स्वस्थ रहे और हम भी स्वस्थ रह सकें। तो गाजियाबाद में इस मैराथन का आयोजन किया गया है, मैराथन 2 का रन फॉर ग्रीन के लिए दर्शन। इस मैराथन का आयोजन हुआ है, आपको बता दें कि 5 किलोमीटर की लंबी दौड़ इस मैराथन में लगाई जानी है, बच्चों को पौधे वितरित किए जाने हैं और ये संदेश बच्चों को, आगामी पीढ़ी को, अगली पीढ़ी को दिया जाना है कि पेड़ लगाएं ताकि प्रकृति स्वच्छ रहे और स्वस्थ रहे। प्रकृति अगर स्वच्छ होगी तो फिर हम भी स्वस्थ रहेंगे। 5 किलोमीटर की लंबी दौड़ का आयोजन किया जाएगा, इसके अलावा बच्चों को पौधे वितरित किए जाने का भी कार्यक्रम। नरेंद्र मोदी जी के मिशन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। आज एक मिशन है, हम शर्मा के मोशन सब निकले हैं, याद रखिएगा कि सबसे दूसरा साथ है। अभी हमें बहुत लंबा समय तय करना है, इसलिए हम सबको एक साथ मिलना होगा, हम सबको हाथ मिलाना होगा, तभी जाकर हम इस मिशन को, अपने मकसद को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आज हम एक साथ प्रतिज्ञा करेगा कि वो अपनी पूरी जिम्मेवारी निभाएगा इस धरती के प्रति। याद रखिए, हम इसी मिट्टी से पैदा हुए और हमें इसी मिट्टी में जाना है, हमें हमारा कर्तव्य, हमारा फर्ज है कि हम इस मिट्टी को कुछ नहीं कर जाए, इस धरती
किसी को कुछ देकर जाए ताकि जो आने वाली नस्लें हैं वो कम से कम याद रख सके कि हाँ हमने भी कुछ योगदान दिया है अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो बस शुरुआत हो जा रही है रंग और ग्रीन गाजियाबाद की 5 किलोमीटर की ये मैराथन। लाइव है यार वो फोन फोन कर रहा है लाइव इसका लाइव तो आएगा अपने आप मुझसे कह रहे कह रहा फोन में लग रहा उसका फोन ले लिया पीछे खड़ा हूँ स्टेज में आ जाऊँ मैं। तो आज के दिन दरअसल स्वच्छता दिवस के तौर पर इसे मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि जनरल वी के सिंह ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है और इस बीच आपको बता दें कि 5 किलोमीटर की दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाना है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें दरअसल गाजियाबाद की है जहाँ रन फॉर ग्रीन गाजियाबाद के लिए मैराथन शुरू किया जा रहा है। 5 किलोमीटर की दौड़ लगाई जानी है और लोग बढ़ चढ़ कर इस दौड़ में हिस्सा भी लेने वाले हैं। इस बीच पौधारोपण किया गया है और पौधारोपण करने के बाद ये संदेश दिया गया है कि कितने जरूरी है पेड़ प्रकृति के लिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए। इसके अलावा स्वच्छता का संदेश भी आज दिया गया है कि दौड़िए, स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रखिए प्रकृति को ताकि आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली नस्लों को ये उपहार दिया जा सके। इसके अलावा आपको बता दें कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। 5 किलोमीटर की दौड़ का आयोजन किया जाना है और जनरल वी के सिंह इस दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। स्वच्छता के गीत अब हम गाने लगे हैं। सफेद उज्जवल परिधान में स्वच्छता की गरिमा को सम्मान देते हुए राजनगर एक्सटेंशन के युवक और युवतियों का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। यह नजारा जो आज फिर से इस साल दिखाई दे रहा है 2 अक्टूबर के इस पावन तिथि के अवसर पर राजनगर की धरती पर सफेद परिधान में लिपटे युवक और युवतियां और नीले आसमान का रंग लिए हुए अपने परिधान में यहाँ के कार्यकर्तागण जिनने इन नजारा को नहीं देखा उन्होंने बहुत कुछ खोया है। बहुत जरूरी गुजारिश है तमाम लोगों से, आप सब तमाम धामों से, मैराथन धामों से 10-10 मिनट के भीतर ही हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप सब जहां तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप सब प्लीज कुर्सियों पर आकर बैठे 10 मिनट का और इंतजार, क्योंकि हमारे बीच 10 मिनट में बेहद खास मेहमान पहुंचने वाले हैं। एक और खास मेहमान मीडिया टाइकून और समाचार प्लस के एडिटर जी उमेश कुमार हमारे बीच मौजूद होंगे। तो आप सबसे एडीपी का गोल चक्कर, एमजीआई का गोल चक्कर, सामने जो एक गोल चक्कर दिखाई दे रहा है वहां से हमारे इस रन फॉर ग्रीन की शुरुआत होगी। तो सभी धावकों से आग्रह है कि आप सब उस गोल चक्कर के पास जाकर जमा हो जाएं और बस चंद क्षणों में कार्यक्रम की शुरुआत होगी। जब आप दौड़ेंगे सारा शहर दौड़ेगा, सारी दिल्ली दौड़ेगी और आने वाले दिनों में सारी दुनिया आपके लिए तालियां बजाएंगी। लोग सड़कों के किनारे खड़े आपका इंतजार कर रहे हैं, आपका स्वागत करने के लिए लोग बेताब हैं। तो सारे धावकों से आग्रह है कि वो गोल चक्कर के पास चले जाएं ताकि आप सही ढंग से उसमें शरीक हो सके। तो गोल चक्कर पेड़ी गोल चक्कर पर आप सबको एक साथ एकत्रित होना है आज रन फॉर ग्रीन गाजियाबाद के लिए। चंद लम्हों में हमारे बीच एक और खास मेहमान मौजूद होंगे जो हरी झंडी दिखाकर इस मैराथन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे बीच मौजूद होंगे मीडिया टाइकून और समाचार प्लस के एडिटर चीफ उमेश कुमार जी थोड़ी देर में। तो आप सब पेड़ की गोल चक्कर पर पहुंचकर वहां एकत्रित हो, बस कुछ ही मिनटों में इस कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है और हरी झंडी दिखाकर उमेश कुमार जी इस मैराथन की शुरुआत करेंगे। आप सबको एक बात से मैं एक जरूरी बात बता दूं, पेड़ी की गोल चक्कर पर आप सबको पहुंचना है थोड़ी देर में, हम मैराथन की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप तमाम लोग जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और वो लोग जहां तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है, वाकई आप आज इस
हॉकी पर यहाँ शामिल नहीं हुए तो आपने बहुत कुछ खो दिया है, सिर्फ अपने लिए नहीं, आज के दिन के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत कुछ खो दिया है। वो लोग जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो भी प्रतिक्रिया है। आज हमारे बीच हमारे चीफ गेस्ट ने एक वृक्षारोपण किया, लेकिन एक संकल्प भी दिलाया आपको कि आप भी इसी तरह पेड़ पौधे लगाते रहेंगे, इसी तरह दुनिया की हरियाली को, धरती की हरियाली को, गाजियाबाद की हरियाली को बचाए रखेंगे, इसी तरह गाजियाबाद को साफ सुथरा रखेंगे। हवाओं मेरी मुट्ठी को, मेरी मुट्ठी की खुशबू को लेना पहाड़ तक, हवाओं मेरी मिट्टी की खुशबू को लेना पहाड़ तक, रंगीनियां छा जाए हर घर तक, शहर होने तक। सारे वॉलंटियर्स अपने ड्यूटी पर तैनात हैं, सारे धावक केरी भी गोल चक्कर की ओर जाते हुए एक काफिला बन गया है, एक जुनून तैयार हो गया है। कितनी खुशियां बिखर गई है केरी भी गोल चक्कर पर, उदासी भाग गई है, हरियाली निमंत्रण दे रही है आप सबों का। और इस काम में राजीव झा जैसे लोग, विजय राणा जैसे लोग, संजय शाह जैसे लोग और भी बहुत सारे लोग, उन तमाम लोगों के लिए आप लोगों का प्यार दिखाई दे रहा है आज के डीपी गोल चक्कर पर। एक बार फिर से मैं आपको एक जरूरी सूचना देना चाहूंगा, बस कुछ ही मिनटों में हमारे बीच समाचार प्रेस के एडिटर इन चीफ उमेश कुमार जी मौजूद होंगे और वो इस मैराथन को अंजलि दिखाएंगे। बस चंद पलों का और इंतजार और बस इस मैराथन की शुरुआत होने वाली है। वो लोग जो अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, अभी आपके पास मौका है, घरों से बाहर निकलेंगे और इस खूबसूरत सुबह को देखिए अपनी आंखों से, एक नई दुनिया को देखिए, एक नया जुनून जो आज पैदा हो रहा है आज इस खास मौके पर, गांधी जयंती के मौके पर। इसके साथ अगर आप चले तो शायद हम आने वाले सालों में गाजियाबाद को और बेहतर, साफ सुथरा और एक विकसित गाजियाबाद बना सकते हैं, हरा गाजियाबाद बना सकते हैं, साफ सुथरा गाजियाबाद बना सकते हैं। सबकी जिम्मेवारी है, एक एक नागरिक की जिम्मेवारी है, हर एक शख्स की जिम्मेवारी है, एक बच्चे की जिम्मेवारी है। इसलिए हम सबको आज इस मौके पर एक संकल्प लेना होगा, संकल्प ये लेना होगा कि हम गाजियाबाद के लिए समर्पित रहेंगे। इस मिट्टी ने जो बहुत कुछ दिया हमें, आज हमारे पास मौका है कि हम इस मिट्टी को कुछ दें, हम इस मिट्टी को पेड़ पौधे दें, इस धरती को कुछ दें, इस धरती को पेड़ पौधे दें। हमारे पास आज मौका है, तो अभी अगर आप नहीं निकल पाए अपने घरों से तो निकलिए, क्योंकि मैच कुछ ही मिनट रह गए जब इस मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। 5 किलोमीटर का ये मैराथन जिसकी शुरुआत होनी है टीडीपी गोल चक्कर से, आप सबका एक बार फिर से हम इंतजार करें। रन फॉर ग्रीन गाजियाबाद एक मिशन है जिसकी शुरुआत पिछले साल से हुई थी और दूसरे साल में एक रिकॉर्ड कायम करने जा रहे हैं। रन फॉर ग्रीन गाजियाबाद मिशन, सेव स्माइल फाउंडेशन मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। जिसकी शुरुआत पिछले साल से हुई थी और दूसरे साल में एक रिकॉर्ड कायम करने जा रहे हैं। रन फॉर ग्रीन गाजियाबाद मिशन, सेव स्माइल फाउंडेशन मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं।
दुनिया अपने भीतर तड़पने दो एक दुनिया जियो तो ऐसे जैसे जमाना जिए हंसो तो ऐसे यहाँ से सारी दुनिया आज का यह पवित्र दिन 2 अक्टूबर का आज का यह पवित्र दिन स्वच्छता हरियाली का संकल्प लिया हुआ यह आज का दिन दौड़ने के लिए बेताब हुए नौजवान और नवजुवतियों के लिए आज का यह दिन कितना मंगलमय दिन है, कितना उपकार से भरा हुआ है, कितना सौहार्द और प्रेम से भरा हुआ है, कितना जज्बा है आज के दिनों में। कौन है जो अब तक घरों से नहीं निकले हैं? कौन है जिनका मन नहीं किया है अब तक घरों से निकलने के लिए? मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जिसे हरियाली से प्रेम ना हो, जिसे स्वच्छता से प्रेम ना हो, जिसे आस्थ से प्रेम ना हो, जिसे युवा की उन्नति से ऊर्जा से प्रेम ना हो। मुझे उम्मीद है राजनगर एक्सटेंशन आज ऊपर करा गया है केडीपी गोल चक्कर पर और थोड़ी ही देर में बैनर्स लग चुके हैं, लोग तैयार हो चुके हैं, इंतजार है बस दौड़ लगाने की और कुछ क्षणों में ही हमारे अतिथि उनको हरी झंडी दिखाएंगे और वे दौड़ पड़ेंगे। एक अच्छाई के लिए, एक संकल्प को लेकर, एक स्वच्छता का अभियान लेकर, हरियाली का अभियान लेकर और जब वो दौड़ेंगे पूरा राजनगर एक्सटेंशन उनके तालियां बजाएंगे और फिर दूरदर्शन में और अखबारों में आप दौड़ते हुए नजर आएंगे, आप संकल्प को लेकर जीते हुए नजर आएंगे, आपका यह संदेश दुनिया तक हवाओं के साथ फिला मिला रहता हुआ दूर दूर तक जाएगा। हम आपका स्वागत करते हैं, सचमुच आप वंदनीय हैं, स्वागतीय हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब गोल चक्कर पर जमा हो जाएं, सारे रनर्स सारे धावक ताकि कार्यक्रम को हरी झंडी दी जा सके। समय बहुत कम बचा है, बिल्कुल समय बहुत कम बचा है और बस कुछ ही मिनटों में इस मैराथन की शुरुआत होनी है। आइए आज मिलकर एक जिम्मेवारी निभाए, अपने भूमिका निभाए आज इस मैराथन में ताकि गाजियाबाद को पूरा हिंदुस्तान एक तहजीब के तौर पर याद कर सके, एक मिसाल के तौर पर याद कर सके। इसलिए हमें आज दौड़ना है, गाजियाबाद को दौड़ना पड़ेगा आज। आप अपनी गेली रूटीन से बाहर निकल रहे, थोड़ा वक्त लीजिए इस खूबसूरत प्रकृति की ओर, देखिए कि ये खूबसूरत प्रकृति ये धरती आपको बहुत कुछ देती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं और इसके लिए आज आपको दौड़ना होगा गाजियाबाद रंग और ग्रीन गाजियाबाद मिशन। जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, बेटियां भी घरों में रोशनी करती है। आज इस संकल्प के साथ राजनगर एक्सटेंशन की बेटियां भी जुड़ी हुई है, उन तमाम बेटियों का हमारा हृदय से प्यार है, आशीर्वाद है। बेटियां जब दौड़ती हैं माँ दुर्गा का रूप हो जाती हैं, बेटियां जब दौड़ती हैं वो माँ पार्वती बन जाती हैं, बेटियां जब दौड़ती हैं माँ सीता हो जाती हैं। और उस संकल्प को जीते हुए आज हमारे बीच बेटियां आई हैं, बेटे आए हैं और हमारे सीनियर सिटीजन्स भी किसी से कम नहीं है। मैं तमाम सीनियर सिटीजन्स को, वरिष्ठ नागरिकों को जो यहाँ पधारे हैं, चरण स्पर्श करना चाहता हूँ, उनसे आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने हिस्से का जितना प्यार और आशीर्वाद है वो राजनगर एक्सटेंशन के इन युवक और युवतियों को दे, इस ऊर्जा को दे, ताकि राजनगर एक्सटेंशन जो कंक्रीट की धरती बन चुकी है वहाँ हरियाली भी अपना पांव जमाए, वहाँ स्वच्छता भी अपनी रंगोली सजाए। उन बुजुर्गों को हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, नमन है। बिल्कुल, हिंदुस्तान को हम नौजवानों का देश मान रहे हैं। आज ये लम्हा हमारे लिए बेहद यादगार इसलिए है कि जहाँ जहाँ तक हमारी नजर आ रही है सिर्फ नौजवान नजर आ रहे हैं और ये भी एक अच्छा संकेत है। सर एक और अच्छी बात, देखिए छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं और ये शायद जब बड़े होंगे तो ये कहानियां सुनाएंगे, बताएंगे कि वो गाजियाबाद को बचाने के लिए कैसे। तो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। आपको बता दें कि 5 किलोमीटर की इस दौड़ को कुछ ही देर के बाद हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाना है। समाचार प्लस के एडिटर इन चीफ उमेश कुमार पहुंचने वाले हैं वहां पर और इस दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। रन फॉर ग्रीन गाजियाबाद मैराथन 2 का संदेश
दरअसल इस मैराथन के जरिए, इस दौड़ के जरिए दिया जा रहा है ताकि जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं, प्रकृति ज्यादा से ज्यादा हरी भरी रहे और साथ ही साथ पर्यावरण को भी स्वच्छ किया जा सके। तो लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं गाजियाबाद की, गाजियाबाद की तस्वीरें हैं। अब से कुछ ही पलों के बाद, कुछ ही मिनटों के बाद इस दौड़ का आगाज होने वाला है, शुरुआत इस दौड़ की जाएगी। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस बीच अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। आपको बता दें कि कुछ ही देर के बाद इस दौड़ का आगाज होगा यहां से और उसके बाद 5 किलोमीटर तक लोग दौड़ेंगे, इस दौड़ में भाग लेंगे। तो आज स्वच्छता का संदेश देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 2 अक्टूबर यानी कि स्वच्छता दिवस के तौर पर हम इस दिन को मनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विजन है, एक सपना है कि देश को स्वच्छ किया जा सके और इसी कड़ी में आज गाजियाबाद में भी ये कार्यक्रम रखा गया है, जहां ग्रीन फॉर गाजियाबाद यानी कि गाजियाबाद को हरा भरा करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए, प्रकृति को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए संदेश देने के लिए इस मैराथन का आयोजन हुआ है। और इस मैराथन का आयोजन करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली नस्लों को एक स्वस्थ वातावरण, एक स्वच्छ वातावरण दिया जा सके। तो ये संदेश लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि अपने आसपास के इलाके को, अपने आसपास की जगहों को स्वच्छ रखें ताकि पर्यावरण, प्रकृति स्वच्छ बनी रहे। थोड़ी ही देर के बाद 5 किलोमीटर के इस मैराथन का आयोजन जो किया गया है, दौड़ को रवाना किया जाना है हरी झंडी दिखाकर। इस बीच आपको बता दें कि जनरल वी के सिंह भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। पेड़ यहाँ पर लगाया गया है, वृक्षारोपण यहाँ पर किया गया है और लोगों को संदेश भी इस बीच वृक्षारोपण के जरिए दिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण शुद्ध हो सके। इसके अलावा आपको बता दें कि बच्चों को यहां पर पेड़ वितरित किए जाने हैं और थोड़ी ही देर के बाद समाचार प्लस के एडिटर इन चीफ उमेश जी यहां पर पहुंचने वाले हैं कार्यक्रम में। उनके पहुंचने के बाद इस दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाना। और यहां रुकेंगे फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।